अपने सेटअप के लिए एक नई रोड व्हीलर किसी में लेके आए, तो अभी ना मैं इसके लिए एक नया केज लेने जा रहा हूँ। तो भाई केज को गाड़ी में रख लिए हैं और अब इसको घर पे लेके चलते हैं। ये देखे भाई, अपने घर के सामने फिक्स किया है इस केज को हमने। हाँ भाई मुर्गी, क्या हुआ, बच्चे वगैरह थोड़ी निकल गए? भाई काफी भारी भरे अंडे हो गए हैं। तो सोच रहा हूँ क्यों ना अपने डॉग्स को आज खेत की तरफ लेके जाए। अपने चारों डॉग्स खेत में, उधर भाई वो स्ट्रीट ना भौंक रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनाउक। तो दोस्तों आपने पिछले व्लॉग में देखा भाई, हम अपने सेटअप के लिए एक नई रोड व्हीलर किसी में लेके हैं, जिसका नाम एल है और काफी अच्छी फीमेल है। और अभी ये बैठी है भाई सुमसाम। वैसे तो ये एक्टिव है बट अभी दोपहर हो रही है तो ये थोड़ी सोने के मोड में है। और दोस्तों अभी ना मैं इसके लिए एक नया केज लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जब से आई है अपने डॉग्स भाई काफी परेशान हो रहे हैं। इनको उधर रखना पड़ता है, पपीज को छोटे केज में रखना पड़ता है। तो मैं क्या है कि कल परसों एक केज देख के आया था और उसको बुक भी कर दिए हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उस केज को लेके आए, उससे अपने पपीज परेशान नहीं होंगे। काफी बड़ा केज और काफी अच्छा केज है, मतलब जो रेडीमेड केज बने होते हैं वैसा। तो जल्दी से चलते हैं और एक बार उस केज को लेके आते हैं। तो भाई केज को गाड़ी में रख लिए हैं और अब इसको घर पे लेके चलते हैं, काफी अच्छा केज है। ले लो ले लो। तो फाइनली दोस्तों मैं वो केज भी लेके आ गया हूँ और लाके भाई डायरेक्ट उसको इधर सेट ही किया है, मतलब इधर फिक्स कर दिया है इसको। और उसमें ना एला को भी बंद कर दिया और काफ़ी अच्छा रोल लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छी लग रही है इधर। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ भाई किधर फिक्स किया है। ये देखे भाई, अपने घर के सामने फिक्स किया है इस केज को हमने, और एला को भी इधर ही बंद किया है। मैं बता दूं दोस्तों, हमने इस केज को इधर क्यों रखा भाई, कैनन में रखना चाहिए, बट उधर क्या है थोड़ी धूप रहती है और दोपहर में धूप रहती है, मतलब दिन में तो फिर भी नहीं रहती। तो मैंने सोचा क्यों ना दोपहर में एला को इधर रखे, इसको थोड़ी ठंड चाहिए अभी के दिनों भाई। इधर ठंड रहती है, उधर पेड़ वगैरह भी नहीं है अभी, तो इधर ही रख दिया और इधर ठंड भी है अच्छी खासी, फिर रात को उधर शिफ्ट कर दिया करेंगे और इधर गार्डिंग वगैरह भी करेगी अपने घर की। तो हाँ भाई एला, ये देखिए यहाँ पे भी भाई इसको धूप लग रही है। क्या हुआ है, कैसा लग रहा है भाई इधर आके? तेरे को अभी अभी दोस्तों इसने खाना खाया भाई, इसकी एक आदत मेरे को सबसे अच्छी लगी, इसको मैं खाना डाल देता हूँ और जब तक मैं इसको नहीं बोलता कि भाई अलग खाना खा, या फिर मैं इसके पास जाके नहीं बैठता तब तक ये खाना नहीं खाती। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। और केज भी ये काफ़ी अच्छा है भाई, कम्फर्टेबल है, मतलब देखे कितना बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। इसके ऊपर तो फाइबर लगी हुई है, नीचे भाई पत्थर लगे हुए हैं। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा केज आ गया है अपने पास। ये एला के लिए रहेगा अब, और एला को अभी अभी मैंने ला के बंद किया है भाई। इसको गाड़ी में से उतारने में काफ़ी दिक्कत आई, मतलब इस काफ़ी भारी था ये, और पत्थर वगैरह हमने इसके हटा रखे थे। तो चलो भाई एक बार कैनन में चलते हैं। ये देखे दोस्तों, इस केज में इन तीनों को बिठा रखा है, इन तीनों बदमाशों को। ये भाई उस केज में रहते थे छोटे वाले में, तो इनको कंफर्टेबल फील नहीं होता था और इनकी मतलब ग्रोथ भी रुक जाती है जब पपीज छोटे केज में रहते हैं। तो अब पेप्सी और पपीज इधर बैठे रहेंगे, और चार भी अंदर बंदी हुई है, डब्बू छोटे वाले केज में रहेगा। मतलब कुछ दिन एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, कुछ दिन बाद तो कैनन का काम स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई मुर्गी किधर बैठी है। तो उस दिन हमने उस मुर्गी को इधर बिठाया था भाई। ये देखिए भाई, ऐसे पैकिंग करके रखनी पड़ती है कि भाई कैसे भी करके इसके बच्चे निकल जाए। हाँ भाई मुर्गी, क्या हुआ, बच्चे वगैरह थोड़ी निकल गए? बता एक बार बता, इसको पैक करके रखना पड़ता है। हाँ भाई मुर्गी, क्या हुआ, दिखा दोस्तों को अंडे। ये देखिए भाई कितने सारे अंडे, इन भाई काफ़ी भारी भरे अंडे हो गए हैं, मतलब इनमें 100% बच्चे निकल चुके हैं। और इनकी कैंडलिंग भी करूँगा मैं एक दो दिन में, कैंडलिंग का मतलब इनके लाइट से देखेंगे इनको कि बच्चे दिखते हैं नहीं दिखते इनमें। चलो भाई रख देते हैं अभी, तो दिखाते भाई पूरे अंडे एक साथ। ये देखिए दोस्तों, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुर्गी को भी देख लिया है और मुर्गी बिल्कुल सेफ़ है, इसके अंडे भी काफ़ी बिल्कुल सेफ़ है। और जो ब्लैक वाली मुर्गी थी वो रही भाई, वो भी आजकल अंडे देने लगे उधर जाके, उसके भी एक दो दिन से अंडे आने लगे हैं। तो भाई अब तो अपने पास खूब सारे अंडे और बच्चे हो जाएंगे, इसको तो वापस बंद कर देते हैं एक बार। इसको तो दोस्तों बंद कर दिया है, और अब इन तीनों पपीज का खाना बना लेते हैं, क्योंकि अब इनके खाने का टाइम हो गया भाई दूसरी डाइट का। तो मैं इनकी डाइट तैयार करके लेके आता हूँ और इनको खाना खिलाते हैं, भूख लग रही है भाई काफ़ी तेज़ से, आवाज़ लगा रहे हैं मेरे को कि यार जल्दी से खाना खिलाओ। A few moments later. ये देखे भाई आवाज़ करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब ना इनका खाना लेके आया हूँ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ लेके आया? तो दोस्तों खाना इधर रेडी है, और अब ना इसमें कैल्शियम मल्टीविटामिन भी मिला रहा है, काफ़ी ज़रूरी रहती है इनकी बोन और इनकी साइजिंग ग्रोथ वगैरह के लिए। मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये तो है मल्टी स्टार पेट, ये है भाई कैल्शियम A to Z, और ये एक साइनिंग है इनकी, और ये लिव 52 है भाई लीवर टॉनिक। ये देना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों पपीज़ को, क्योंकि इनकी ग्रोथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। क्या हुआ बैठ जाओ, इम्प्रूवमेंट होता है।
चलो भाई एक बार इनको खिलाते हैं और फिर ये बोलने देंगे भाई मेरे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये देखे भाई। चलो 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 पेप्सी 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 नहीं चल चल अंदर चल पेप्सी नहीं खाने दे इनको खाने दे। अपीस भी दोस्तों कुछ दिन के रह रहे हैं और कैनन का काम भी अब जल्दी शुरू होने वाला है। तो जैसे कैनन का काम शुरू होगा भाई खूब सारे परिंदे लेके आएंगे खूब सारे जानवर रहेंगे अपने पास। और मैं आपको और भी बताने में हाँ जो अपनी खरगोशनी थी भाई उसने मेरे को लगता है दोबारा से और कहीं पे बच्चे दे रखे हैं क्योंकि वो ना तो अपने हाथ आती है और पता नहीं किधर उधर घूमती रहती है। अब दूसरी जगह बच्चे दिए हैं या तो उसने। और अपनी जो ये बजरी पैरेट है इसका मैं एक पार्टनर लेके आया था भाई आज लेके आया जैसे और अगले दिन मरा हुआ मिला मेरे को इस केज में पड़ा हुआ मिला मतलब पता नहीं कैसे मर गया था उसकी डेथ हो गई थी। तो ये भी बेचारी अकेली है और अपना डक भी बेचारा अकेला है। तो जैसे कैनन का काम शुरू होगा फिर लेके आएंगे भाई नए नए परिंदे वगैरह नए नए जानवर अभी कुछ नहीं लेके आ सकते। और पपीज भाई अपने खाने को फिनिश भी कर दिए हैं खा गए भाई ये देखे दोस्तों खाली भी कर दिए हैं टिफिन को। तो अब इनको थोड़ा बाहर निकालते हैं और थोड़ा घुमाते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ 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 पेप्सी नहीं चलो 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 कम 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 भाई पैरों में ही आ रही है तो चलो 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 ये देखे मुर्गे मुर्गे के साथ वो पीछे लग गया भाई उसके। अरे नहीं 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 आ जा आ जा आ जा आ जा चलो पपीज को दोस्तों मैं लाके बंद कर दिया था और अभी शाम हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने डॉग्स को आज खेत की तरफ लेके जाए और जो अपनी रोटी वाला है एला उसको भी आज खेत दिखा के लाएंगे उधर घुमा के लेके आएंगे पेप्सी डब्बू चार्ली और एला पपीज को नहीं लेके जाऊँगा। और ये देखे बाहर भी आ गए अभी बंद किया था और ये बाहर भी आ गए भाई कितनी स्पीड है इनकी बाहर आने की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो 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 आ जाओ चलिए आ जा ये बेल्ट डालते भाई एला के गले में आ जा आ जा आ जा नहीं 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा अरे रुक चल भाई एला चल। तो दोस्तों एला को लेके आ गए हम खेत में और भाई सामने ना एक स्ट्रीट डॉग है उसके ऊपर रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है इसका। वो देखिए वो सामने खड़ा गो एला गो गो इसको दिख रहा नहीं है भाई अभी तक। अपनी पेप्सी भी आ गई है डब्बू भी आ गया और चार्ली पता नहीं किधर गायब हो गई भाई उसको मैं बोल दे दिया था अभी उसको तो उसको लेके पता नहीं भाई किधर गायब हो। चल भाई चल एला गो एला गो ये देखे अब पता लगा है भाई इसको गो पोजीशन गो एला एला गो आ जाओ आ जाओ अटैक करो इन पे अटैक करो भाई अटैक मत करना इनको भगाई देना तुम तो ये देखे चलो 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 ये आ गया ओ आवाज बहुत भारी है। ये लो जी भाई अपनी चार्ली भी आ गई है इधर से और अपने चारों डॉग्स खेत में हैं उधर भाई वो स्ट्रीट ना भौंक रहे हैं ये देखे भाई कैसे गड्ढे खोद रहे हो। तो चलो भाई उनको भगा के आते हैं आगे जाके चल एला गो गो एला गो। तो दोस्तों मैं उधर से डॉग्स को लेके आ गया था और भाई उधर बहुत गैस सीन बच गया था मतलब वो डॉग्स ना अपने डॉग्स पे अटैक करने के लिए आ गए थे तो उस वजह से भाई वीडियो तो बनानी और मैं ना डॉग्स को उनसे बचाने के चक्कर में भाई सीधा घर पे लेके आ गया और अभी अंधेरा भी हो गया है तो इन मुर्गियों को बंद करना है भाई इस केज में। हाँ भाई चलो 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 चलो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों आज व्लॉग थोड़ा छोटा था क्योंकि मेरी तबीयत भाई दो तीन दिन से बहुत तेज वाली ख़राब चल रही है तो मैं व्लॉग कर ही नहीं पा रहा भाई माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।